सो फौजी के टीडीएम के टीजर को देखने के बाद में सभी फौजी हेटर्स को सिर्फ एक रिप्लाई मिला है, क्यों हिला डाला ना। सो 21 जून के दिन हमें बीटा एक्सेस देखने को मिल जाएगा, पर मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर कुछ ही बंदों को मिल पाएगा। अब ये जरूर कंफर्म मुझे पता है कि यहाँ पर किन किन बंदों को गेम देखने को मिलने वाला है और आप में से कौन वो लकी गेमर्स हैं जो टीडीएम के बीटा एक्सेस को खेल सकेंगे। गेमिंग है तो KRG है। सो वेलकम गेमर्स, मैं करण आप सभी का स्वागत करता हूँ KRG गेमिंग किसी को न्यू वीडियो में। सो दोस्तों, यहाँ पे फाइनली फौजी की टीम ने यहाँ पे अपनी चुप्पी तोड़ी है और 2 महीने के बाद में हमें एक बड़ा अपडेट लाके दिया है। यहाँ पर फौजी का जो टीजर है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया रामनवमी के दिन, एंड उसके अंदर हमें काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। पर दोस्तों, सिर्फ 45 सेकंड के एक टीजर के थ्रू हम ये नहीं जान सकते कि गेम प्ले हमें किस तरह का देखने को मिलने वाला है। कम्प्लीटली एग्जैक्ट गेम प्ले तो नहीं होता है क्योंकि सिनेमेटिक्स अलग होते हैं गेम से, एंड मैं आप सभी को इतने पॉइंट्स के बारे में तो क्लियर आउट कर दूंगा कि आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि आपको जो बीटा एक्सेस है वो किस तरह का देखने को मिलने वाला है, ताकि जब हम 21 जून के दिन वो गेम खेलने बैठे तो भाई हमें पता हो कि हमें क्या कुछ इसके अंदर करना है। तो दोस्तों, हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पर टीजर के स्टार्ट से लेकर एंड तक मुझे सबसे हाईलाइटेड चीज़ एक देखने को लगी तो वो यहाँ पर था स्कोप। अब आप देख सकते हो कि स्नाइपर के ऊपर एक स्कोप लगा हुआ है जो कि ATAGS है। अब यूजुअली हमें जो TDM मोड्स के अंदर ATAGS देखने को नहीं मिलता है, जो भी मैं अभी बैटल रॉयल गेम्स की बात करूँ। सो हो सकता है कि इस मैप का साइज बड़ा हो इसलिए इसमें ATAGS की जरूरत पड़ रही है, या फिर इस मैप के अंदर जो बिल्डिंग्स है उसमें 3rd या 4th फ्लोर तक हो ताकि हमें नीचे तक जूम इन अच्छी तरह से मिल सके। बाकी ये 2 ऑप्शन मुझे लग रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ATAGS का इसके अंदर क्यों यूज़ में लिया गया, वो आप नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना। नेक्स्ट की बात करूं तो आपको यहाँ पर गेम के अंदर इंडियन मार्केट के रेफरेंस भी देखने को मिलने वाले हैं, जैसे लस्सी शॉप एंड अदर स्टोर्स के यहाँ पे भी नेम आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कृष्णा मिक्स आइसक्रीम एंड भैरव जनरल स्टोर एंड अदर भी रेफरेंस देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो यार, सबसे ज्यादा डिमांड इजी पॉइंट की थी, मतलब गन्स की। यहाँ पर गेम के अंदर हमें डिफरेंट गन्स देखने को मिलने वाली, लाइक मशीन गन्स एंड स्नाइपर, एंड साथ में इसमें आपको फ्रैग ग्रेनेड्स भी देखने को मिलने वाले, जो कि काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी बैटल गेम के अंदर। एंड दोस्तों, मैं सभी गन्स के रियल नेम के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं। सो दोस्तों, आप नीचे जल्दी सब्सक्राइब कर लेना एंड घंटी के ऑप्शन कॉल पे कर लेना ताकि आपको वीडियो जल्दी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो यहां पर हमें गन के साथ साथ हमें कुछ अटैचमेंट्स भी देखने को मिलती है, लाइक सप्रेसर। सो दोस्तों, मुझे यहां पर थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि हमें क्या गेम के अंदर ये अटैचमेंट्स जो गन के ऊपर लगी हुई है ये पहले से ही मिलेगी या फिर हमें इनको खुद को इक्विप्ड करना होगा। सो इस चीज के बारे में सही जानकारी तो हमें गेम आने के बाद में ही पता चलेगी। सो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखते हैं कि प्लेयर जो है वो FPV मोड के अंदर आकर फायर करता है एंड उसके बाद में जो गेम प्ले आगे बढ़ता है। सो यहां पर इस से कंफर्मेशन होता है कि हाँ, गेम के अंदर हमें FPV एंड TPV दोनों कंट्रोल देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है ये लिटरली मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा और मुझे लगा कि वीडियो के अंदर मुझे इसको जरूर से कवर करना चाहिए। ये है भाई फॉर्म माय स्क्वाड। तो भाई, आपको अगर अपनी 5 बंदों की एक स्क्वाड बनानी है 5v5 PvP TDM को खेलना है तो यार, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, क्योंकि वहाँ पर आकर भाई काफ़ी सारे बंदे अपनी स्क्वाड बना सकते हैं एंड अपना जो कह सकते हो ना कि आप सही पार्टनर्स को चूज़ कर सकते हैं और भाई एक सही तरीके से TDM को खेल सकते हैं। सो आप सभी जानते हो कि यार, आगे गेम बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ने वाला है तो आपको एक बढ़िया स्क्वाड की ज़रूरत रहेगी, जो कि आप आके मेरे डिस्कॉर्ड से फाइंड आउट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ज़रूर से आके ज्वाइन कर लेना, उस पर बहुत सारी बातें भी करेंगे। चलो, ये सब तो ठीक है कि आपको पता चलेगा कि गेम के अंदर क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, पर भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बीटा गेम मिलेगा किस किस को, बीटा एक्सेस किस को मिलेगा, यार ये सब आपको जानना है। और मुझे पता है लिटरली काफी सारे बंदे इसी चक्कर में अभी तक वीडियो में बने हुए हैं कि उनको पता करना है कि क्या उन्हें गेम मिलेगा या नहीं। सो दोस्तों, लिटरली मैं जो मैं बता रहा हूँ चीज आपको एक गौर से देखनी है और चेकआउट करना है, जो जो मैं आपको चीजें करने के लिए कहता हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और आपको चेकआउट करना है कि आप एक बीटा टेस्टर हो या नहीं। सो दोस्तों, हुआ क्या था कि शुरुआत में जब फौजी गेम आया था तो वहां पर एक बीटा टेस्टर करके एक ज्वाइन का ऑप्शन ओपन था, पर जिन जिन बंदों ने उस टाइम पे कर लिया वो बीटा टेस्टर बन गए और जिन्होंने नहीं करा वो उस टाइम पे नहीं बन सके। अब पहले आपको चेक करना है कि आप एक बीटा टेस्टर हो या नहीं। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने जो प्ले स्टोर के अंदर जाना है एंड वहां पर आपको अलग अलग आईडी से प्ले स्टोर के अंदर ओपन करना है, अपनी जो भी जीमेल आईडी से डिफरेंट ओपन करना है एंड चेकआउट करना है कि फौजी गेम के ऊपर जाकर सर्च में कि आपको वहाँ पर नीचे एक नोटिफिकेशन दिखा रहा है क्या कि आप इस आईडी से बीटा लिंक ज्वाइन कर रखा है नहीं। तो वहाँ पर अगर आपको वो दिखा रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक बीटा टेस्टर हो एंड आपको वो गेम का बीटा एक्सेस
मोस्ट पॉसिबली मिल जाएगा। अगर आप नहीं हो, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, गेम अभी आने में 2 महीना है, तो यहाँ पर मई, अभी अप्रैल चल रहा, मई के अंदर हो सकता है इसका एक बीटा ज्वाइन का फॉर्म निकाला जाए, बीटा ज्वाइन का एक कह सकते हैं वापस से स्टार्ट किया जाए। सो आपको तब मैं नोटिफाई कर दूंगा एंड आप जल्दी से फटाक से ज्वाइन मार लेना, तो आप भी एक बीटा टेस्टर बन जाओगे। और बीटा टेस्टर बनने के बाद में आप मोस्ट पॉसिबली उन बंदों को गेम दिया जाएगा ताकि वो टेस्ट कर सके कि टीडीएम मैप किस तरह का बना है। सो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना था एंड ये मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड वीडियो इसी लगी क्योंकि कुछ टाइम से मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत किसी वीडियो पर नहीं करी थी। तो भाई इस वीडियो की अगर एफर्ट्स आपको पसंद आए तो यार प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे बिल्कुल एकदम फल मिल जाए। सो दोस्तों इसी तरह का कंटेंट अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी को नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।